तो और मेरे भाइयों, क्या हाल चाल है यार। अब तुम लोग जो भी मुझे शुरुआत से देख रहे हो, उन सबको पता होगा कि पबजी में सिर्फ एक ही गन है जो कि मेरी फेवरेट है। और अगर डब्बे में वो गन मिलती है तो तुम्हारा भाई खुद को रोक नहीं पाता, मतलब कलेजा बाहर निकल आता है उस गन को लेने के लिए। लेकिन क्या हो कि तुम ड्रॉप पे जाओ, तुमको वही गन मिले लेकिन तुम चारों तरफ से बंदों से घिर जाओ जो कि तुमको मार के तुम्हारी फेवरेट गन लेने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे? ये जानना है तो ये गेम प्ले देखना, ऑसम है। अब देखो, मेरे को दो बंदे सामने दिखे थे जिसमें एक को नॉक कर रहा था और दूसरा अंदर भाग गया था। तो यहाँ पर मैंने डिसाइड करा कि चलो पुश करते हैं, क्योंकि भाई अगर वो बच के भाग गया तो तुम्हारा भाई 20 प्लस किल कैसे करेगा। पर यार ऐसे लोग मेरे को बहुत पसंद होते हैं। उनको जब पता होता है ना कि सामने वाला गेम प्ले बना रहा है, उसे 20 से ज्यादा किल चाहिए, तो भाई वो भागते नहीं है, वो आते हैं लड़ने ताकि तुमको किल मिल सके। जैसे कि ये सामने वाले लोग, मतलब हम लोग इधर लड़ रहे थे, वो चाहते उधर पीछे से भाग सकते, लेकिन नहीं, वो इधर आए हमको किल देने के लिए। ओ यार, मेरा रिएक्शन टाइम यहाँ पर बहुत खराब था। मैंने उस बंदू को बहुत पहले देख लिया था, बट गोली बहुत लेट चलाई और मैं नॉक हो गया। वेल, इसको भी भाई पता नहीं कहाँ से गोल गोल घूम के आ रहे थे, लेकिन लकली वो बंदा कंफ्यूज हो गया और भरोसेमंद हमारे उसको भी भैया ने हमको यहाँ पर बचा लिया। तो अब हमको मिलने वाला था रिवाइव, और उसके बाद यहाँ पर कोई बंदा बच नहीं रहा था, तो हम लोग गए फैक्ट्री की तरफ गाड़ी ढूंढने। वेलोरेंट में तो अरे अबे ये कहाँ से टपके? अब पीछे एक बॉट था तो वो इशू की बात नहीं थी, तो मैं इधर इसको भी को रैप देने आया। उधर पीछे से भी यूएमपी चली थी, बता रहा हूँ। ओ भाई, तुम्हारे भाई ने क्या ही क्लीन मारा यार। मतलब अभी तुम लोग लाइक ना करो वीडियो को तो कब करोगे यार। मतलब क्या करूं मैं, पिस्टल से मारू सबको? वेल, जो भी हो, यहाँ पर मैं स्कूबी को हुल्ले में रिवाइव दे रहा था। मेरा हेड देखो कैसे दिख रहा है, क्योंकि मेरे को पता था सामने बॉट और उसके पास भी यूएमपी है, तो कोई इशू नहीं है। बट साला वो पीछे बंदा निकला बे, और ये अलग दिमाग खा रहे। वेल, जो भी, उन्होंने मेरे को बहुत लेट कर दिया था, प्लस सामने वाले ने यूएमपी से स्कूबी को भी नॉक करा और मेरे को भी डैमेज दे दिया। तो यहाँ पर मैंने एक स्मोक डाला इस उम्मीद में कि ये हील कर लूंगा, उसके बाद स्कूबी को रिवाइव देने जाऊंगा स्मोक में आराम से। लेकिन स्कूबी पीछे आया और मर गया। मतलब कैसे मर गया, तो अच्छा खासा रिच के अंदर आ गया था। वेल, जो भी हो, यहाँ पर मेरी नजर शुरुआत से स्कूबी के M4 पे थी, जो कि अब मेरे हाथ लग गई थी, और उस बंदे को तो मैं छोड़ने वाला था नहीं। अब देखो, मेरे को एक बात बिल्कुल नहीं पता थी कि वहां पर एक बंदा है या दो बंदे हैं, लेकिन उसने नेट फेंका तो मैं इतना तो समझ गया कि ये लड़ने के मूड में है, तो ये हो सकता है मेरे ऊपर पुश करे। तो यहाँ पर मैं आगे एकदम फ्लैट लेट गया ताकि वो मेरे को देख ना पाए, और मैंने जल्दी जल्दी से बैंडेज लगाना शुरू कर दिया। अब सच्ची सच्ची बोलूं तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता था वो बंदा कहाँ है, तो यहाँ पर मैं गेस्ट के अकॉर्डिंग खेल रहा था और मेरी कोई पोजीशन बिल्कुल अच्छी भी नहीं लग रही थी, तो मैंने डिसाइड करा कि मैं यहाँ से हटूंगा भाई। मतलब ये रिज भी देख रहे हो, ऐसी रिज है कि मेरे को कवर भी नहीं देगी अगर बंदा ऊपर चढ़ गया तो। तो फाइनली यहाँ पर मैं पीछे भागा थोड़ा सा रिस्क लेके। सच बताऊं तो पहले ही जाने का प्लान था, लेकिन डर लग रहा था। अबे इन भाई साहब को पता था मैं आऊं और इतनी दूर से वेक्टर चला रहे, अबे कति सठिया गए हो या बुढ़ापा छा गया तुम्हारे ऊपर? वेल, जो भी, हमारे पास थे M4 तो इनको थोड़ा सबक सिखाने वाले थे। अब यहाँ पर मेरे को पता था एग्जैक्टली वो बंदा कहाँ है, क्योंकि वो मेरे को पीक दे रहा था। तो भाई साहब, मैं खड़ा हुआ और हक दिया, मतलब इजी किल थी यार वो, लेकिन रिकॉइल कंट्रोल नहीं, और उसने मेरे को वेक्टर से क्या मारा है भाई, वेक्टर से। मतलब ये हालत देख रहे हो क्या हो गई यहाँ पर। अब फाइनली वो बंदा यहाँ पर फ्लैंक करने लगा, और क्यों करने लगा मुझे पता नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता इधर।
अब यहाँ पर वो बच तो गया था, लेकिन वो इस साइड आया ही क्यों था? अगर उसी जगह मैं होता ना तो मैं उसी पहाड़ी के अराउंड खेलता, क्योंकि मेरे को पता था कि मैं उस जाली के पीछे ज्यादातर सेफ नहीं रहूंगा। बट वो फ्लैंक करा और यही इसकी गलती थी। आराम से भरा सुरऊ को, और उसके बाद इनको लूट के उठाई गाड़ी और निकले हम कहाँ, बंदे ढूंढने। और यकीन मानो एक ड्रॉप दिखा हमको, और ड्रॉप के पास तुमको पता है क्या मिलने वाला है, तभी तो दिखा रहा हूँ ना, घाट नहीं देता। तो बस ध्यान से देखो, बस इतना स्पॉइलर दे देता हूँ कि कुछ खतरनाक देखोगे। अब देखो यहाँ डब्बा दिखा, डब्बे के पास मेरे को एक बंदा दिखा, मैंने गाड़ी स्लो करी लेकिन फिर स्पीड में ले गया कि डरते थोड़ी ना तुमसे यार, यहाँ मरते मरते बचा मैं। वेल इन दोनों ही बांगड़ुओं को मैंने हेड रखा था, बट सामने वाला नेड़ भेग रहा था। भाई वो नेट से मैं क्या बचा, लेकिन जैसे ही मेरे को साउंड आया था ना नेट का, मैं फौरन बाहर निकला, उसके टीममेट को नॉक करा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को पता था इसने अच्छा नेट डाला है, ये फिर डालेगा तो, और पीछे गाड़ी से धुआं निकल रहा, मतलब आग जल रही है, और उसने डाला भी नेट। बट मैं बच गया, लकड़ी गाली नहीं फूटी यार इधर। कतई क्रिश क्रिश खेल रहे, मतलब उड़ के जा रहे अपने भाई के पास। वेल जो भी हो, दोनों को मैंने इधर ठोक दिया था, और इनकी बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन वाली लूट मेरे हाथ लग गई। मतलब ज़्यादा कुछ उठाने वाला नहीं, सिर्फ एमके उठाई मैंने इनसे, और क्या ही लूँ, मतलब और कुछ था ही नहीं, डब्बा ही तो एक ही था ना। वेल अब उसके बाद यहाँ पर मैंने स्मोक किया, इनको लूटा, और उसके बाद मैं वापस घूम रहा था बंदूक ढूंढने, वो कोई नहीं मिले, तो वापस हम वहीं जाने लगे जहाँ से आए थे, यानी कि मिलिट्री बेस। लेकिन रास्ते में ये भाई साहब बॉट दिखे, और ये बच कैसे गए गाड़ी से? वेल जो भी हो, कोई रियल बंदा होता तो उधर ही उतारता। अब मैंने इसको मारा, और उसके बाद मैं लूटने नहीं गया, मतलब गाड़ी लेके गया दूसरी गाड़ी लेने, क्योंकि इसमें फ्यूल कम था। अब देखो तुम्हारा भाई पुलुल चेक करके आया, बट उधर कोई मेरे को मिला नहीं, और यहां पर मेरी किस्मत चमकी, क्योंकि मैं बस सीधा ही जा रहा था, मेरे को पता नहीं था साला किस डायरेक्शन में जाना है। लेकिन मेरे को एक डब्बा दिखा, और ये वही डब्बा है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बात करी थी, इसमें हमको मिलेगी AWM। मेरा दिमाग चीख चीख के कह रहा था मत उतरो, बट दिल कह रहा था यार AWM होगी इसके अंदर। वेल निकली भी AWM ही, बट हालात थोड़े खराब हो गए इधर, सच कहूं तो नाजुक हो गए। अब यहां मेरे सामने दो बंदे थे, जिसमें से एक पत्थर पे और एक आके प्रोन हो गया था घास में, तो घास वाले को तो चपेट दिया तुम्हारे भाई ने। लेकिन जैसे ही फिनिश करा, मेरे पीछे से स्नाइपर चली। अब मेरा दिमाग खराब, किस किस तरफ मारूं? अब भैया इनको तो टेक दिया, लेकिन ये डायरेक्ट मर गए। मेरे को भूसे के पास एक और कोई दिखा था, शायद वो बगी होगी, मैंने चेक करा और स्कूबी ने कहा वो मर गया, तो ठीक है। अब मेरा ध्यान था पत्थर वाले के ऊपर। अबे यार तुम कहां से आए भी? अच्छा खासा गेम प्ले की बैंड बजा दी भाई यार।